चाय और चाय के साथ नाश्ता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मीटिंग्स में। कोई मेहमान आ जाए, आप किसी को बुलाते हैं घर पर, तो आप कोशिश करते हैं कि आप बिस्किट्स या नमकीन, इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाएं। खास तौर पर बच्चे और घर वालों के लिए तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नई रेसिपी हमेशा ट्राई करते रहें। आइए आज हम भी बनाते हैं एक इंटरेस्टिंग सा स्नैक जिसका नाम है फ्राइड बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न हमने लिए हैं और इनको हमने उबाल लिया है। इनको कलर थोड़ा सा पीला रहने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। इनको उबालने के बाद ठंडा कर लिया है। इनको हम मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम इन बेबी कॉर्न्स को ले लेंगे और इनको मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसमें हम लेंगे लहसुन, अदरक, अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, नमक, और चाट मसाला। अब इसको मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स करने से पहले इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। कोशिश अब हमारी ये है कि सभी बेबी कॉर्न्स के ऊपर अदरक और लहसुन की पेस्ट लग जाए और साथ ही में जो मसाले हमने डाले हैं वो भी यूनिफॉर्मली फैल जाएं और सब आपस में कोट हो जाएं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, एक बार फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं और अब बारी आती है इनको डीप फ्राई करने की। आइए इसे हम डीप फ्राई कर लें। एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर है उसको डस्ट करते हुए इन बेबी कॉर्न्स को हम क्रिस्प और गोल्डन होने तक डीप फ्राई करेंगे। वैसे हमने शुरू में ही इसको उबाल लिया था, अंदर से पके तो ये हुए हैं पर बाहर से अब ये क्रिस्प हो जाएं, सुनहरी गोल्डन हो जाएं, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल कड़क रहते हैं ये और बस इसको आप डिप कीजिए एक बढ़िया से सॉस में। और बढ़िया से सॉस में कौन सा सॉस दें इसके साथ? चलिए बना लेते हैं इसके लिए एक अच्छा सा सॉस जिसमें हम खूब सारा गार्लिक और टमाटर इस्तेमाल करेंगे। तो गार्लिक को हम चॉप कर लेते हैं और साथ ही में बना लेते हैं इसके लिए एक डिपिंग सॉस। पहले इसको निकाल लेते हैं। इस बीच में हम गार्लिक को चॉप कर लेते हैं और तैयारी करते हैं सॉस बनाने की। तो लीजिए गार्लिक चॉप हो गया है, तेल दोबारा गर्म है, इसमें हम बाकी के बेबी कॉर्न्स डालकर भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए अब बारी है बेबी कॉर्न्स को फ्राई करने की। पूरे बेबी कॉर्न्स हमने डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। सॉस बनाने के लिए एक पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं और साथ ही में ले लेते हैं हम टमाटो प्यूरी और टमाटो सॉस। इसमें हम तेल ले लेते हैं पैन में। इस सॉस में खूब सारा गार्लिक जाएगा जब तक ये तेल गर्म होता है। आइए बेबी कॉर्न को निकाल लें। और गैस को बंद कर लेते हैं। यहां पर तेल गर्म हो चुका है, आइए इसमें डालते हैं लहसुन। खूब सारा गार्लिक डलेगा इसमें। गार्लिक को हम ब्राउन कर लेंगे पहले और जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस और टमाटो प्यूरी।
तो पहले डालते हैं टमाटो प्यूरी और टमाटो प्यूरी के बाद आइए डालते हैं टमाटो सॉस। इस सॉस को चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे सिरका और साथ ही में डालेंगे हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। तो पहले डाल लेते हैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, और सिरका। बस झटपट से बन गया हमारा ये सॉस। और बेबी कॉर्न्स हमने पहले ही फ्राई कर लिए हैं, वो भी तैयार हैं, और ये हमारा एक डिपिंग सॉस भी तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा हम पार्सले डाल लेते हैं, आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं इसमें। आइए झटपट से हम पार्सले काट लें और उसको इस सॉस में डाल लेते हैं। फाइन चॉप करने के बाद आइए इसको हम सॉस में डाल लेते हैं और इसको मिक्स करके गैस को बंद कर लेते हैं। इस सॉस को एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो लीजिए, गर्मा गर्म बेबी कॉर्न भी तैयार हैं और साथ ही में इसकी डिपिंग सॉस भी तैयार है। तो आइए इसको एक सर्विंग प्लेट में डाल लेते हैं। झटपट से इनको हम एक प्लेट में अरेंज कर लेते हैं और साथ ही में हम इस डिपिंग सॉस को भी लगा लेंगे इसमें। और इन सब को एक पार्सले बन से हम गार्निश कर लेते हैं। और लीजिए, हमारे क्रिस्पी फ्राइड बेबी कॉर्न्स तो तैयार हो गए हैं और साथ ही में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा गार्लिक फ्लेवर टमाटो सॉस हमने इसके साथ दिया है, जो गर्म भी है, यानी कि दोनों गर्मा गर्म है, पर इसके साथ एक प्याली गर्मा गर्म चाय हो जाए तो इन्जॉय कर सकते हैं इसको आज की शाम। लेकिन बनाने से पहले आइए इसका एक रिकैप देख लेते हैं। फ्राइड बेबी कॉर्न बनाने के लिए एक बड़े बाउल में 200 ग्राम उबली हुई बेबी कॉर्न, एक छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, एक छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लें और 15 मिनट मैरिनेट होने के लिए साइड में रख दें। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक छोटा चम्मच बारीक कटी पार्सले डालकर अच्छे से मिला लें और एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसको सुनहरी होने तक डीप फ्राई कर लें। टोमेटो गार्लिक सॉस बनाने के लिए एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करें और उसमें 4 से 5 बारीक कटी लहसुन की कलियां डालकर सौटे कर लें। फिर इसमें 6 बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरी, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, एक छोटा चम्मच सिरका, एक छोटा चम्मच देगी मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लें और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लें। अब इसे एक बोल में निकाल कर फ्राइड बेबी कॉर्न्स के साथ सर्व करें।